नमस्कार, आज हम लोग पढ़ेंगे उपभोक्ता जागरण व संरक्षण। एक उपभोक्ता जो वस्तु किनता है उसको उपभोक्ता कहते हैं। जागरण मतलब जागरूक होना और संरक्षण मतलब अपने उपयोग की जो वस्तु है उसे संरक्षित करना, यही तो उपभोक्ता कहलाता है। चलिए पाठ को प्रारंभ करते हैं, समझते हैं। उपभोक्ता बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। कोई भी वस्तु अगर आप लेते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो उसे हम कहते हैं उपभोक्ता। मान लीजिए कि ये वस्तु है और आप इस वस्तु को आप किन रहे हैं, तो आप क्या हैं, उपभोक्ता हैं। ठीक है, तो कह रहा है व्यक्ति जब वस्तु और सेवाओं को अपने प्रयोग के लिए खरीदता है तब उसको उपभोक्ता कहते हैं। खरीदार की अनुमति ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के प्रयोग, ठीक है, प्रयोग करने वाले व्यक्ति के उपभोक्ता कहते हैं। मतलब आप कोई भी वस्तु अगर कीनते हैं तो क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, या उपभोग कहलाता है। जब उस वस्तु का आप उपयोग करेंगे तो उपभोक्ता कहला जाएंगे। ठीक है, आगे समझते हैं। व्यवसाय जगत में उपभोक्ता का स्थान महत्वपूर्ण होता है। महात्मा गांधी ने बहुत पहले ही बाजार उपभोक्ता के महत्व को पहचान लिया था। मतलब महात्मा गांधी ने कहा था कि बाजार उनके द्वारा जो कही गई बातें हैं उनके बारे में वो पहले ही जान चुके थे, क्या कर रहे थे, जान चुके थे। और उन्होंने उपभोक्ता जागरण के लिए मूल वाक्य कहा था, क्या कहा था, कि जो आज प्रायः सभी बैंक अन्य संस्थाओं में इंकित है। क्या है, तो समझिए गांधी जी ने क्या कहा था। तो गांधी जी ने क्या कहा था, आप समझना है हम लोगों को। ठीक है, ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। गांधी जी ने कहा कि ग्राहक ही हमारा महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि हमारे लिए कोई भी अगर हम शॉप खोलते हैं तो ग्राहक अगर नहीं है तो हमारा शॉप खराब है। तो वो कह रहे हैं कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं है, हम उस पर निर्भर हैं। इसीलिए ग्राहक को भगवान की भी संज्ञा दी गई है। ठीक है, आगे चलिए समझते हैं। बाजार व्यवस्था उपभोक्ता का स्थान सर्वोपरि है। और बाजार क्या होता है, आप कहीं भी जाते हैं तो कोई सामान तो सब जगह मिलता नहीं है, आपको तो कहीं ना कहीं बाजार में जाकर ही उन सामानों को किनना पड़ता है। ठीक है, यदि उपभोक्ता नहीं रहे तो उत्पादित वस्तु की मांग नहीं होगी। अगर मान लिए हमारे पास, हम एक छोटा सा दुकान खोले किस चीज़ का, समोसा का या कुछ भी चीज़ का, ठीक है, तो हम बहुत सारा सामान बना लिए और हमारे पास उपभोक्ता है ही नहीं, तो हमारा सामान खराब हो जाएगा, तो हमारा पूंजी का लॉस हो जाएगा। तो हमारे पास उपभोक्ता होना चाहिए और माल भी उसी के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, यहाँ यही समझा रहा है, उत्पादन की समस्त क्रियाएँ उपभोक्ताओं पर संचालित होती है। यहाँ याद रखना है कि बाजार हमारी भागीदारी उत्पादन और उपभोक्ता के दोनों रूप है। मतलब आपके लिए है ये, किसके लिए, आपके लिए उत्पादित रूप है। ठीक है, उत्पादन के रूप में हम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं और फिर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उन वस्तुओं और सेवाओं को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपभोक्ता बाजार और व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब कहीं भी गए आप बाजार से कोई भी सामान किनते हैं, वो तो किसके लिए किनते हैं, अपने लिए किनते हैं, क्योंकि उसी का उत्पादन समस्त क्रियाओं पर निर्भर करता है। अब आपके यहाँ तो हर चीज़ होता नहीं है, तो हम कहाँ जाते हैं, बाजार जाते हैं। और बाजार में हर तरह की दुकान होती है, हर तरह के सामान मिलता है, तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, क्रय करते हैं, जो लेते हैं और अपना चले जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बाजार व्यवस्था में उत्पादन और उपभोक्ता दोनों ही होते हैं। अगर हम कोई भी सामान ज़्यादा है, जैसे कभी कभी आप देखते होइएगा कोई सामान का रेट बढ़ गया, क्यों बढ़ जाता है, उत्पादन कम है उपभोक्ता ज़्यादा है, तो ये दोनों में अपना अलग अलग महत्व है। वर्तमान युग में उपभोक्ता में वस्तु और मूल्य निर्माण के गुण के प्रति जागरूक बनाना उपभोक्ता जागरण है। मतलब आप कोई भी वस्तु किनते हैं, डेट क्या है, परचेज की कब हुआ है, उसमें क्या क्वांटिटी है, ये सब अगर आपको पता है तो आप एक क्या है, उपभोक्ता जागरण में साथ दे रहे हैं। मतलब आप एक जागरूक उपभोक्ता है, क्या है आप लोग, एक जागरूक उपभोक्ता है। अब देखिए यहाँ पर
उपभोक्ता जागरण, आप लोग जागो ग्राहक जागो एक टीवी पर ऐड भी आता है, आपने देखा भी होगा, तो इसके बारे में भी हम बताएंगे। आगे चलिए समझते हैं। मनुष्य जन्म से मृत्यु तक आवश्यकताओं से गिरा होता है, इसकी पूर्ति के लिए विभिन्न वस्तु और सेवाओं का क्रय करता है। मतलब एक व्यक्ति के लिए जिंदगी आसान नहीं है, वो अपने तमाम चीज़ों के लिए बाजार और बाजार के पर ही निर्भर रहता है, क्योंकि हर वस्तु उसके यहाँ मौजूद नहीं है। ठीक है, मनुष्य किसी भी क्रिया के उपभोक्ताओं का उपभोग प्रतिदिन विभिन्न वस्तु और सेवाओं के संपर्क में आता है, लेकिन इसका कोई स्तर शोषण भी होता है। बहुत जगह आप जाइएगा, जैसे आप लोग रेल इस सब में जाते हुएगा, वहाँ पानी का बोतल 15 रुपये का होता है, आपसे लेता कितना है 20 रुपये। क्यों लेता है? क्योंकि वहाँ पर उन चीज़ों का मूल्य अधिक लेता है। आप लोग भी कभी कभी देखे हुएगा, आपके यहाँ ठंडा का मूल्य होगा 30 रुपये, ठीक है 30 रुपया, लेकिन आपको कहेगा ठंडाई किए हैं तो 35 रुपया दीजिए। तो ये क्या है, आपसे ही लिया जाता है और हम लोग क्या करते हैं, दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये उपभोक्ता के लिए नहीं है। ठीक है, बात को समझिएगा, तो आपका शोषण नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये शोषण नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति ये को उपभोक्ता है, वो अपनी सजगता के साथ दूसरे को भी जागृत करना चाहिए। ठीक है, उसे अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होना होता है और वह जागरूकता के अभाव में आज भूमंडलीकरण, मतलब आज जो आधुनिक युग है उसके प्रत्येक उपभोक्ताओं को जागरूक और परामर्श देना चाहिए। यहाँ पर जागो ग्राहक जागो का एक स्लोगन दिया गया है, प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह जिस वस्तु का उपभोग करता है उसके बारे में पूर्ण जानकारी ले। वस्तु का गुण, वो किस वस्तु है, कब खराब होगा, कब बना है, मात्रा, कितना वजन है, वस्तु बनाने में प्रयुक्त तत्व, इसमें कौन कौन से तत्व मौजूद हैं, इसमें होने वाले प्रभाव, आप उसको खाइएगा तो आप पर क्या प्रभाव डालेगा। यदि उपभोक्ता इन सभी वस्तुओं के उपभोक्ता करने के समान खराब निकलता है तो उपभोक्ता केंद्र जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? उपभोक्ता केंद्र। और उपभोक्ता केंद्र क्या होता है? तो उपभोक्ताओं के लिए, और यह क्या करेगा, आपके लिए है, और आप इसमें अब शिकायत कीजिएगा तो आपकी शिकायत सरकार के द्वारा सुनी जाती है और उस कंपनी पर क्या किया जाता है, दंडनायक कार्रवाई भी की जाती है। ठीक है, आगे है, दर्ज कराकर मुआवजा भी प्राप्त कर सकते हैं। मान लेते हैं हम एक कलम की जिसका मूल्य 10 रुपया है और वो कलम नहीं उग रहा है, तो हम एक टोल फ्री नंबर आता है 1811-4000, इस पर आप शिकायत कीजिएगा कि हमारा क्या है, एक कलम ये है नहीं कंपनी का है, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन लोग नहीं करता है, और यह पूर्णतः मुफ्त है, ये सरकारी चीज है। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, एक बात और, सामान खरीदते समय आपको गारंटी कार्ड और रसीद जरूर लेना चाहिए। कोई भी सामान कीजिए, उसे बोलिए कि बिल दे, बिल। ठीक है, अगर बिल नहीं दे रहा है, ठीक है, बिल नहीं देता है तो क्या है, वो गलती है। ठीक है, वो गलती कर रहा है, बिल देना चाहिए। ठीक है, और अगर बिल नहीं है, ठीक है, तो उस वस्तु को आप ना ले। बिल जो होता है वो आपका प्रमाण है कि आपने इस वस्तु को यहाँ से परचेज किया है कि ना है। ठीक है, आगे देखिए, सामान को खरीदते समय मूल्य और सही वजन की मात्रा का जांच करें। आप लोग कभी कभी जाते हुएगा बाजार में, वहाँ पर तरकारी बेचता है, सब्जी बेचता है, फल बेचता है, तो वहाँ पर आप कांटा को चेक कीजिए कि क्या है, उस कम है कि ज़्यादा है कि और ज़्यादा है। तो आप कभी कभी देखिएगा, कहीं 10 रुपये होगा, कहीं 12 रुपये होगा, कहीं 20 रुपये होगा, तो आपको सोचना चाहिए क्यों ऐसा है, आखिर एक ही सामान सब कैसे इतना कम में बेच रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ लफड़ा है या झोल मझाल है। ठीक है, एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, चलिए कहानी लेते हैं। बिहार के वैशाली जिले में सैया प्रखंड के बेरुआ गांव में अनिल होली के अवसर पर अपने गांव के एक दुकान से सरसों का तेल खरीदता है। क्या कीनता है? सरसों का तेल कीनता है। जब उसकी माँ यशोदा उस तेल को पकौड़ी बनाने लगती है तो उसमें अत्यधिक झाग आता है। क्या आता है उसमें? झाग आता है। उसकी माँ अनिल को बताती है कि तेल शुद्ध नहीं है।
क्या है, तेल शुद्ध नहीं है। अब क्या करे, अनिल अपने लाए हुए तेल को का डिब्बा लेकर अपने मोहल्ले के उपभोक्ता मंच के पास जाता है और वहाँ के सदस्य को तेल के नकली होने की शिकायत करता है, उस दुकानदार का नाम भी लेकर। ठीक है, दुकानदार ने अपनी एक ही बात सुनी, फलतः उपभोक्ता मंच के सदस्यों का कहना है कि अनिल निकट के उपभोक्ता फोरम में अपनी लिखित शिकायत दे। माने आप अगर बिहार से हैं तो बिहार में एक जिला स्तर पर बनाया गया है, ठीक है, वहाँ पर जाकर आप क्या करें, शिकायत करें। परिणाम स्वरूप पाया गया कि वह तेल शुद्ध नहीं था, फलतः दुकानदार और उसके उत्पादन के जुर्माना और 25,000 रुपये की रकम क्या हुई, अनिल को देनी पड़ी। क्यों, अगर नहीं दिया जाता तो अनिल इसके लिए हाईकोर्ट तक जा सकता है, आपका अधिकार है। चलिए, इस कहानी से यह पता चलता है कि यदि कोई वस्तु अपने मानक स्तर में नहीं है तो उपभोक्ता उसकी शिकायत कर सकता है। अगर आप कोई वस्तु खाते हैं, जैसे आप कभी कोई कुरकुरे खाते हैं, अगर उसका एक्सपायर कर गया है और आपको ख़राब लग रहा है तो आप उसको कहिए कि बदल के दीजिए, आप क्यों नहीं दीजिए, 5 रुपये का वैल्यू है, आप एक जागरूक उपभोक्ता हैं। अगर वो ख़राब है तो आप उसका शिकायत कर सकते हैं और क्षति की भरपाई भी मांग सकते हैं उससे कि हम खाएँ तो हमको ये बीमारी हुआ है, इसका भी भरपाई आप दीजिए, और करना पड़ता है। उपभोक्ता राहत के विभिन्न तरीके हैं, सामान से खराब भी हटाना, सामान को बदलना, चुकाए गए मूल्य को वापस ले लेना, सेवा में त्रुटि को हटाना और हानि और चोट की स्थिति में क्षतिपूर्ति। मतलब अगर आप उस वस्तु को खाएं और किसी प्रकार की आपको हानि है तो यह क्या होगा, आपको इसके बारे में भी देना पड़ेगा। इन दिनों भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता, अब देखिए क्या कर रहा है, देखिए, जागरण बड़े विज्ञापनों के माध्यम से अधिकारों को जानकारी दी जाती है, जिसमें उपभोक्ता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करते समय समाज के नागरिकों के होने में हम कर्तव्य और गांव के कम पढ़े लिखे लोगों के लिए संबंधी जागरूकता लाते हैं। अब आपको अपना तो जागरूक होना है, साथ साथ लोगों को भी जागृत करना है। क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है, अगर आप सतर्क नहीं रहिएगा तो आपको लूट लेगा। जैसे आप लोग कभी तेल लेते हैं तो तेल में क्या रहता है, लीटर में थोड़े रहता है, वो तो क्या रहता है, लीटर में रहता है, लेकिन वो 910 ग्राम रहता है, लिखा रहता है उसको, ठीक है। और हम लोग ऐसे खुला तेल लेते हैं तो क्या लेते हैं, किलो में लेते हैं। बात समझ में आ गया, तो ग्राहक सावधान रहे, कोई वस्तु अगर आप किनते हैं तो उसके लिए सावधानी भी बरतें, कब का डेट है, कब लिया गया है, किस कौन सा इंग्रेडिएंट इसमें है, अपने अधिकारों को पहचानिए। अगर आपसे कोई थोती दलीली कर रहा है तो उसको बोलिए कि हम जिला लेवल पर आपका कंप्लेन करेंगे। क्या समझते हैं, हम लोग जागो ग्राहक, जागो उपभोक्ताओं के रूप में अपने अधिकारों की रक्षा करना, और आप तो सजग बनिए, अपने अगल बगल के लोगों को भी सजग बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए अब देखिए, उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है, एक उपभोक्ता का शोषण क्यों किया जाता है, अब देखिए समझते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था उपभोक्ताओं की स्थिरता को शोचनीय है, ये सदैव व्यवसायिक द्वारा अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से ठगे जाते हैं, साथ ही उसे शिक्षित और कम गरीबी का प्रभाव, जागरूकता अभाव के कारण उपभोक्ता शोषण का भी शिकार होते हैं। जैसे आप लोग एक ऐड देखते होइएगा, फेयर एंड लवली का या कोई भी कंपनी का, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें आपको दिखाया जाता है कि एक काली क्या होती है, लड़की होती है और वो क्या करती है, क्रीम लगाती है HD ग्लो, और वह गोर हो जाती है, क्या हो जाती है, गोरा हो जाती है, तो क्या वो संभव है, ऐसा नहीं है। तो आपको बुद्धि क्या करता है, भ्रमित कर देता है, बार बार एक प्रचार दिखाएगा। जैसे आप लोग देखते हुएगा, प्रचार करता है शर्ते लागू, लेकिन उसको तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो इस कारण से हम लोग पीछे रह जाते हैं। आपने अक्सर समाज के लोगों से शिकायत करते हुए देखा होगा कि अमुक व्यक्ति ने उसे ठग लिया, दुकानदार ने सामान सही नहीं दिया, दुकान की कीमत में पैसा लाए हैं, तो इस उपभोक्ताओं को देखते हैं। वर्तमान समय में इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं का शोषण नहीं हो रहा है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, बैंकिंग हो, चिकित्सा हो, दूरसंचार हो, डाक हो, खाद्य सामग्री हो या निर्माण। अब देखिए, हर चीज़ को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि ये क्षेत्र सब क्या है। जैसे आप लोग को कभी कभी बैंक से आपको OTP मांगा जाता है, ये सब क्या फर्जी है। चिकित्सा में अगर कोई चिकित्सक आपको गलत इलाज कर देता है तो उसे भी बचना चाहिए। संचार में आपका अगर
एक दिन पहले अगर पैसा काट लेता है तो उसको भी शिकायत कीजिए। डाक में अगर आपका कोई भी चीज़ नहीं आया है उसका भी शिकायत कीजिए। खाद्य सामग्री, अगर आपको कोई खाना का वस्तु है अगर वो अच्छा नहीं है उसका भी शिकायत कीजिए आप। भवन निर्माण में उसको भी। सभी त्रुटियों को लापरवाही से कालाबाजारी उपभोक्ताओं के घातक सिद्ध हो रही हैं जो नीचे दिए गए हैं। एक उदाहरण के लिए समझते हैं, चलिए समझ लेते हैं इसको भी। गैस एजेंसी, गैस एजेंसी द्वारा उपभोक्ताओं के घरों तक सिलेंडर समय पर पहुंचाना जाता है जिससे उपभोक्ता मजबूरी में कालाबाजारी के शिकार होते हैं। पहले आप लोग देखते थे आपके यहाँ सिलेंडर नहीं आता था, ठीक है, मोतीपुर से या कहीं दूसरे जगह से आपको लाना पड़ता था, तो ये बात है कि एजेंसी को कि वह गैस का चक्कर लगाना पड़ता था। और क्या होते थे इसे ना, वहाँ के जो लोग होते थे वो शोषित होते थे। क्या होते थे? शोषण का शिकार होते थे। और शोषण का शिकार होना है मतलब शोषित होना। अब आप कहिएगा ये सब लोगों के साथ है, ठीक है, आगे पढ़िए। अब समझते हैं हम लोग, एक शिक्षण संस्था का भी दिया है। तो शिक्षण संस्था में क्या होता है? पढ़ाई होता है। शिक्षण संस्थाओं में बहुताय रूप से गाली गली खुलते जा रहे हैं। आज देख रहे हैं कुकुरमुत्ता के तरह कोचिंग संस्थाएं खुल रहे हैं, ठीक है, जो कि गैर मान्यता प्राप्त हैं। उनमें ना कोई योग्य शिक्षक है और ना उन्होंने कोई क्या किया है, ना वहाँ पर उन्होंने योग शिक्षक है और ना उन्होंने कोई लाइसेंस लिया है। पुस्तकालय, प्रयोगशाला, फर्नीचर, खेल मैदान, मानक पाठ्यक्रम का अभाव और भ्रामक प्रचार करते हैं। ये देखिए हमारे यहाँ फलाना बच्चा टॉपर हुआ, ये हुआ, गलत गलत वादा करके बच्चों से उसके पेरेंट्स से बहुत सारा पैसा ऐंठ लिया जाता है। इससे क्या होता है, लोग अपने बच्चों को उस संस्था में भेजते हैं लेकिन वो परिणाम नहीं आता है तो ठगा हुआ महसूस करते हैं। अब देखिए डॉक्टर वाला भी उदाहरण आपको दे दिया। मरीज देखते समय डॉक्टर फीस के बारे में पूरी जानकारी रसीद का प्रचलन नहीं अपनाया जाता है। ऑपरेशन से पहले ऑपरेशन के प्रभाव की जानकारी न देकर उपभोक्ता का शोषण होता है। जैसे आप कहीं जाते हैं, आपको खून निकाल लेता है और क्या करता है, टेस्ट करता है। अगर दूसरे का भी खून निकाल कर टेस्ट कर रहा है, किसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, वो ब्लड सैंपल चेंज हो जाता है मान लीजिए, तो आपका गलत रिपोर्ट आ जाएगा और इस गलत रिपोर्ट के चलते आपको गलत दवाई चलेगा। तो ये किसका गलती है? तो डॉक्टर का गलती है। इसके लिए भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, आप जागरूक उपभोक्ता हैं। अब देखिए यहाँ पर केबल ऑपरेटर, पहले के ज़माना में ना केबल चलता था, डीटीएच का ज़माना नहीं था, तो केबल वाले लोग क्या करते थे, मनमाना पैसा लेते थे। उपभोक्ता को केबल ऑपरेटर द्वारा वह चैनल पूरी तरह से नहीं दिखाया जा रहा है जो कि ट्राई के नियम के अनुसार, जो टेलीकॉम अथॉरिटी के अनुसार है। इस तरह से इस उपभोक्ताओं को मजबूर करके बहुत सारा कीमत वसूला जाता है, ठीक है, तो उनको नहीं पता था, बाद में पता चला तो उसके विरुद्ध भी काम हुआ, ठीक है। इस प्रकार उपभोक्ताओं का एक नई प्रक्रिया का शोषण किया गया। यदि कभी गलत या सेवा को घटिया किस्म के कारण हो तो उसे नाप तोल कर भी ले सकते हैं। जैसे नकली वस्तु की उपलब्धता के कारण सभी वस्तुओं की कालाबाजारी, जोखिमों के कारण भी सभी स्तरीय विज्ञापन के कारण उपभोक्ता के हितों की अनदेखी की जाती है। जैसे आप लोग देखते हो या डॉक्टर अर्थ हो, जैसे तेल का प्रचार देता है केस बड़ा हो गया, शैम्पू का प्रचार देता है सुंदर हो गया, ऐसा होता कुछ नहीं लेकिन वो प्रचार दिखाता है और हम लोग उस वस्तु को किन लेते हैं। लेकिन आपने कभी प्रचार की सत्यता को प्रमाणित किया, जांचा नहीं। आजकल उत्पादन के साथ प्रलोभन भी दिया जाता है, बताया जाता है कि आप ये चीज़ खेलिए, ये करिए, इससे क्या हो जाएगा, तो प्रलोभन देकर उन लोगों को बताया जाता है, ठीक है। आगे देखिए अब प्रमुख समस्या क्या है। एक वस्तु खरीदते समय एक वस्तु को मुफ्त देना, बाय वन गेट वन, आप लोग सुनते होइएगा, एक सामान के जोड़े एक सामान फ्री, लेकिन ये दोनों का मूल्य एक साथ जोड़ कर उसमें 50% घटा देता है। पुरानी वस्तुओं के बदले नई वस्तुएं, आप देखते होइएगा पुरानी वस्तुओं के बदले ऐसे मोबाइल दीजिए, प्याज ले लीजिए, नहाने का साबुन में सोने का लॉकेट। जैसे आप लोग कभी कभी सुने होइएगा, कुछ दिन पहले ही प्रचार आया था आप लक्स का, उसमें देखते होइएगा सोने का प्रचार था, ठीक है। तो ये सब क्या है, लोक लुभाने वादे हैं जो कि सही भी हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। चाय की पैकिंग में डायमंड का होना मतलब सोने का होना। अनेक वस्तुओं के माध्यम में स्कूटर, फ्रिज, टीवी, मोबाइल आदि लाखों का इनाम का लालच देकर, आजकल देखते होइएगा लॉटरी वाला चलता है कि सामान लीजिए तो आपको पड़ जाएगा, साइकिल लेके चलता है, मोबाइल लेके चलता है, टीवी लेके चलता है।
आप सभी सोच रहे हैं कि स्थितियों में क्या आती है। अब यहाँ पर समझते हैं उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण क्या है। मिलावट की समस्या, महंगी वस्तुओं में अन्य चीज़ों की मिलावट होती है। जैसे आप लोग दाल देखिए, दूध देखिए, दही देखिए, मिठाई देखिए, कम तौले वाली वस्तु है। जैसे आप जाते हुएगा कहीं भी, वहाँ पर कम तौला जाता है, हेरा फेरी किया जाता है, ठीक है। आगे है, कम गुणवत्ता वाले वस्तुओं उपभोक्ताओं को धोखा से वस्तुओं का क्या करना, गुणवत्ता को शोषण करना, ये भी है। जैसे बढ़ा चढ़ा के गुणवत्ता का मतलब है कि कोई भी सामान को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करना। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है जो कि आपको पूर्णतः क्यूरिक नहीं करेगा, लेकिन उसमें लिखा रहता है कंडीशन अपनाई शर्तें लागू, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ते हैं। आगे देखिए, कह रहा है उपभोक्ता के जागरण का अभाव है और अधिकारों के प्रति सचेतना, इस कमी के उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति जागरूक करना और सचेत रहना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग नहीं सचेत रहिएगा तो आपको क्या करेगा, आपको लूट लेगा। आगे है डुप्लीकेट वस्तु। आज देखते हैं हर चीज़ का डुप्लीकेट चल गया है, साबुन, सर्फ, तेल, सब का डुप्लीकेट। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेट सामानों की आपका जरूरी है नहीं, इससे लोग प्रभावित भी हो रहे हैं। जैसे कभी कभी साबुन पकड़ा जाता है, कभी कभी तेल, मोबिल, ये सब पकड़ा जाता है। आगे देखिए, जागरूक उपभोक्ता के लक्षण। आखिर आपको जागरूक उपभोक्ता कब बनता है? देखिए, छात्रों को चाहिए कि इन संस्थाओं में नामांकन के लिए इच्छुक राज्य में UGC की मान्यता को देखें। अगर आप कहीं एडमिशन कराने जाते हैं यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर जाइए और उसके वेबसाइट पर, UGC के वेबसाइट पर देखिए कि यह संस्था, यह जो विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, रजिस्टर्ड है कि नहीं। बहुत सारे फर्जी विद्यालय भी हैं। क्रेडिट कार्ड मिलते ही निर्धारित जगह पर तुरंत हस्ताक्षर कर देना। आप देखते हुएगा बहुत लोग कहता है कि आपका क्रेडिट कार्ड नंबर बताइए, इससे भी फ्रॉड हो जाता है। दवा सुरक्षित और लाइसेंस प्राप्त कर दवा से खरीद करना। आपको कहाँ से दवाई खरीदनी चाहिए? जो रिटेलर है, जो अच्छे रिटेलर लोग हैं, उनसे दवा को किनना चाहिए, ठीक है। आगे है, यह सुनिश्चित करें कि आप सही मात्रा में पेट्रोल मिल रहा है कि नहीं। जब भी आप पेट्रोल पंप पर जाइए तो फोन पर बात नहीं कीजिए, उसका मीटर देखिए कि कितना है, नहीं है। और है LPG गैस सिलेंडर लेते समय उसकी तिथि, उस पर लिखा रहता है कि कब से कब बना हुआ है। एक्सपायर सिलेंडर नहीं लेना चाहिए, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है, 80% जो होता है ना, एक्सपायर सिलेंडर से ही आग लगता है, ठीक है। तो अगर आप जागरूक होता हुईगा तो आपको पता चलेगा। और साथ में SI मार्क, एक मार्क और हॉल मार्क की वस्तुओं को ही खरीदना चाहिए, जो कि सरकार के मानक के अनुसार बनाया गया है, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण व सरकार। अब देखिए, उपभोक्ता के समक्ष विभिन्न उत्पादों और सेवाओं का उपलब्ध है। पुनः इस बातों को स्पष्ट करते हैं कि किसी वस्तु ग्राहक को जो वस्तु सेवाएं उपभोक्ता के लिए उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे कोई भी आप वस्तु लेते हैं तो उसका उपभोग कौन करता है? तो आप लोग करते हैं। तो आप लोग अगर जागरूक होइएगा तब यह देश भी जागरूक होगा और देश के साथ साथ समाज के जिम्मेवार नागरिक भी आप बनिएगा और लोगों को भी जागरूक कीजिएगा। ग्राहक उपभोक्ता के बाजार को चुनने के अधिक विकल्प देते हैं। ऐसे वस्तुओं और सेवाओं के बारे में सही विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं होती है, ये सही चुनाव नहीं कर पाते। और बहुत सारे जो ग्रामीण व्यक्ति हैं वो इस सब चीज़ों को नहीं जानते हैं। आज भी हमारे यहाँ गांव देहात में बिस्कुट एक्सपायर हो जाता है तब भी लोग किन के खाता है। उनको नहीं पता है कि हाँ, इसके खाने से हमें पेट खराब हो जाएगा। कुरकुरे, मुरमुरे, कौन कौन सी चीज़, ये सब क्या है? इससे आपका तबीयत खराब होगा, इसका कोई मानक नहीं है, कहाँ बनता है, इससे कोई कंपनी नहीं है, लेकिन आज हमारे खुले बाजार में बिक रहा है, सही रूप से उपलब्ध नहीं होता है। सरकार के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए समय समय पर कदम उठाए, उपभोक्ता कानून बनाया। और क्या बनाया? सरकार ने उपभोक्ता कानून बनाया। वर्तमान समय में विभिन्न माध्यमों में उपभोक्ताओं को जागरूक करने का प्रयत्न किया गया ताकि उपभोक्ताओं के अधिकारों को शिकायत और निवारण कर सके। इसे कड़ी में सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनको क्या किया गया? तो एक कदम बनाया गया, क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। कब बना? तो 1986 में बना उपभोक्ता संरक्षण कानून। क्या बना? उपभोक्ता संरक्षण कानून, ठीक है। इसको हम उपभोक्ता संरक्षण कानून के रूप में जानते हैं। किसके लिए बना? तो किसके लिए बना बुआ? उपभोक्ता के लिए। किसके लिए बना? उपभोक्ता के लिए, ठीक है। सरकार ने इस अधिनियम को अपनाने के लिए विश्व विकसित संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, ब्रिटिश
ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड आदि में लागू उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की व्यवस्थाओं का गहराई से अध्ययन किया। मतलब कोई भी चीज़ बनाने से पहले वहाँ पर रिसर्च किया गया कि क्या ये उपभोक्ताओं के चीज़ों को मानेगा, क्या ये कर पाएगा। यह अधिनियम उपभोक्ता के अधिकांश संरक्षण और संवर्धन पर जोर देता है, मतलब उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करता है। उपभोक्ता के बुनियादी अधिकार जो आपके अधिकार हैं, मान लीजिए आप कोई सामान किने और खाए, आपका तबीयत खराब हो गया, तो आप अगर उसका कंप्लेन कीजिएगा। तो आइए इस अध्याय में प्रावधानों में थोड़ा सा जुड़ते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को समझते हैं। क्या समझना है? भारत सरकार द्वारा पारित उपभोक्ता को संरक्षण हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1986 में। महत्वपूर्ण अधिनियम है, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसमें उपभोक्ताओं को बाजार में बेची जाने वाली वस्तु संबंधी संरक्षण का अधिकार है। माने किसी भी कंपनी से पूछ सकते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, जो सामान बनाया है, क्या उपभोक्ताओं के लिए यह ज़रूरी है? हाँ, अगर ज़रूरी है तो ठीक है, अगर नहीं ज़रूरी है तो यह उपभोक्ताओं के लिए ठीक